एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी मैं थोड़े गैप के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, पर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे डिशवॉशर के सेटिंग्स पर वीडियो बनाने के लिए थी। तो आज मैं डिशवॉशर के डिफरेंट सेटिंग्स, जैसे रिनसेट का सेटिंग, सॉल्ट का सेटिंग और उन्हें कैसे चेंज करना है, इसके बारे में बताऊंगी। आगे मैं रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के डिटेल डेमो और वॉशिंग मशीन के बारे में और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं उन पर वीडियोस बनाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में डिशवॉशर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे डिशवॉशर का एफएक्यू वीडियोस, जिसमें मैंने डिशवॉशर से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए हैं, जो देखने से आपके डिशवॉशर के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा डिशवॉशर के डिफरेंट प्रोग्राम मोड्स का वीडियो, जिसमें मैंने डिशवॉशर के कौन सा प्रोग्राम मोड कब यूज करना है इसके बारे में डिटेल में बताया है। इसके अलावा डिशवॉशर का डिटेल डेमो वीडियो, जिसमें डिशवॉशर में बर्तन कैसे लोड करने हैं, डिशवॉशर में बर्तन लोड करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रिनसेट और सॉल्ट डालना डिशवॉशर में क्यों ज़रूरी है, डिटर्जेंट और ऑल इन वन टैबलेट के बारे में बताया है। इसके अलावा डिशवॉशर से रिलेटेड कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं, जिससे आपको बेटर वॉश रिजल्ट मिलने में मदद होगी। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिशवॉशर के डिफॉल्ट सेटिंग्स को क्यों चेंज करना है। अगर आप डिशवॉशर के वॉश रिजल्ट से खुश नहीं हैं या अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज करते हैं तो इन दोनों केसेस में आपको डिशवॉशर के डिफॉल्ट सेटिंग्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। डिशवॉशर के वॉश रिजल्ट आपके टैप वाटर की हार्डनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आपके वाटर की हार्डनेस के हिसाब से आपको रिनसेट और सॉल्ट की सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑल इन वन टैबलेट यूज करते हैं या सेपरेट डिटर्जेंट यूज करते हैं। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके वाटर की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से कम है तो आपको सेपरेट रिनसेट और सेपरेट सॉल्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में क्योंकि आप इन्हें सेपरेटली यूज नहीं कर रहे हैं तो रिफिल रिनसेट और रिफिल सॉल्ट के इंडिकेटर लाइट्स आपके डिशवॉशर में कंटिन्यूसली जलते रहेंगे, तो बेटर है कि आप इन्हें सेटिंग्स की हेल्प से ऑफ करें, ताकि रिफिल रिनसेट और रिफिल सॉल्ट के इंडिकेटर लाइट्स कंटिन्यूसली जलने से सिस्टम बोर्ड को कोई नुकसान ना हो। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके वाटर की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से ज्यादा है तो रिकमेंडेड है कि आप ऑल इन वन टैबलेट के साथ रिनसेट और सॉल्ट भी यूज करें फॉर बेटर वॉश रिजल्ट्स। पर ऑल इन वन टैबलेट के केस में आपको उतने ज्यादा रिनसेट और सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आपको सेपरेट डिटर्जेंट के केस में चाहिए होती है। अगर आप सेपरेटली डिटर्जेंट, रिनसेट और सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो इस केस में आपको अपने पानी की हार्डनेस के हिसाब से रिनसेट और सॉल्ट की सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं बॉश के डिशवॉशर में सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं। पहले हम चाइल्ड लॉक सेटिंग के बारे में जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बॉश डिशवॉशर मॉडल, आप चाइल्ड लॉक ऑप्शन यूज करके बटन लॉक या डोर एंड बटन लॉक कर सकते हैं। बटन लॉक यानी डिशवॉशर का काम शुरू होने के बाद कोई अनइंटेंशनली उसे बंद ना कर पाए। ये एक अच्छा फीचर है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो डिशवॉशर चलते वक्त उसके बटन प्रेस करते हैं। चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। तो मैं डिशवॉशर ऑन करके ऑटो प्रोग्राम मोड में डिशवॉशर स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपको चाइल्ड लॉक एक्टिवेट करना है। चाइल्ड लॉक एक्टिवेट करने के लिए आपको ये की आइकन के नीचे वाला बटन यानी इंटेंसिव कढ़ाई बटन को अप्रोक्सीमेट 4 सेकेंड के लिए दबाकर रखना है, जब तक डिजिटल डिस्प्ले पर सीएल डिस्प्ले ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो चुका है। चाइल्ड लॉक के रहते हुए आप प्रोग्राम को रीसेट या एंड नहीं कर सकते, तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रोग्राम को रीसेट भी नहीं कर पा रही हूँ। प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इंटेंसिव कढ़ाई के बटन को अप्रोक्सीमेट 4 सेकेंड्स के लिए दबाकर रखना है, जब तक सीएल का डिस्प्ले ना चला जाए। तो अभी सीएल का डिस्प्ले जा चुका है। अगर आपने चाइल्ड लॉक लगा रखा है तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तब चाइल्ड लॉक ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नोट करें, अगर पावर फेलियर होता है तो करंट आने के बाद चाइल्ड लॉक अपने आप रिटेन हो जाएगा। यानी अगर आपने पावर कट से पहले चाइल्ड लॉक लगाया था तो पावर आने के बाद भी वो एक्टिवेट रहेगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिशवॉशर में क्या क्या सेटिंग्स होते हैं और सेटिंग्स मेन्यू कैसे एक्सेस करते हैं और ईच सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं। डिशवॉशर के सेटिंग्स मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको डिशवॉशर को ऑन करना है और एको बटन प्रेस करते हुए स्टार्ट बटन प्रेस करना है जब तक आपको डिजिटल डिस्प्ले पर एच डिस्प्ले ना हो। इसके बाद आपको इन दोनों बटन्स को रिलीज करना है। अब आप डिशवॉशर के सेटिंग्स मेन्यू में पहुंच गए। चलिए अब देखते हैं डिशवॉशर मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एच सॉल्ट सेटिंग की करंट वैल्यू जो सेट की है वो इंडिकेट करता है। अब एको बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर डी डिस्प्ले होगा। ये डी इंटेंसिव ड्राइंग सेटिंग की करंट वैल्यू जो सेट की है वो दिखाता है। अब एको बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट आर जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो डिस्प्ले होगा। ये आर रिनसेट सेटिंग की करंट वैल्यू जो सेट की है वो दिखाता है। अब एको बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर पी डिस्प्ले होगा। ये पी ऑटो स्विच ऑफ सेटिंग की करंट वैल्यू जो सेट की है वो दिखाता है। इनमें से कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है तो आपको पहले उस सेटिंग को सिलेक्ट करना है एको बटन प्रेस करके, और उसके बाद प्रीरिंस ऑप्शन को प्रेस करना है सेट वैल्यू को चेंज करने के लिए। हर बार आप प्रीरिंस बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू एक लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और हाईएस्ट वैल्यू पहुंचने पर जब आप प्रीरिंस बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो वैल्यू वापस जीरो पर आ जाएगी। इस तरह आप प्रीरिंस बटन प्रेस करके आपकी मनचाही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस वैल्यू को सेव करने के लिए आपको स्टार्ट प्रेस करना है तो आपकी वैल्यू सेव हो जाएगी। तो आपने देखा कि डिशवॉशर की सेटिंग्स जैसे ऑटो स्विच ऑफ सेटिंग, इंटेंसिव ड्राइंग सेटिंग, सॉल्ट की सेटिंग, रिनसेट की सेटिंग चेंज करने के स्टेप्स काफी हद तक सेम हैं। चलिए हम अब हर एक सेटिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए अब डिशवॉशर के वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम यानी सॉल्ट की सेटिंग के बारे में जानते हैं। नॉर्मली टैप वाटर हार्ड होता है। डिशवॉशर में बर्तन अच्छे से साफ करने के लिए सॉफ्ट वाटर की जरूरत होती है। सॉफ्ट वाटर यानी जिसमें लाइम की क्वांटिटी कम होती है। अगर सॉफ्ट वाटर नहीं होगा तो बर्तनों पर वाइट लाइम स्किल जमा हो जाएगा और आपको अच्छे वॉश रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डिशवॉशर सॉल्ट पानी को सॉफ्ट करने में मदद करता है ताकि बर्तनों पर वाइट लाइम स्किल जमा ना हो और आपको अच्छे वॉश रिजल्ट्स मिले। तो आपको अपने पानी के हार्डनेस के हिसाब से डिशवॉशर में सॉल्ट की सेटिंग को एडजस्ट करना जरूरी है। आप अपने पानी की हार्डनेस के हिसाब से सॉल्ट की सेटिंग स्क्रीन पे दिए हुए टेबल के हिसाब से सेट करनी है। टैप वाटर की हार्डनेस जानने के लिए आप वाटर हार्डनेस मेजरिंग डिवाइस खरीद सकते हैं, या आप वाटर सप्लाई ऑफिस में पता कर सकते हैं कि आपके एरिया का वाटर हार्डनेस कितना है, या फिर आप ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सॉल्ट सेटिंग को हर वॉश में एडजस्ट करके एक ऑप्टिमम सॉल्ट की सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके घर के पानी की हार्डनेस सॉफ्टर रेंज में है यानी 0-10 डिग्री क्लार के बीच में है तो आपको अपने डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग H0 या H1 सेट करनी है। अगर आपके पानी की हार्डनेस मीडियम रेंज में है यानी कि 11-20 डिग्री क्लार्क के बीच में है तो आपको अपने डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग H02 से H04 के बीच में सेट करनी है। पर अगर आपके घर का पानी हार्डर रेंज में है यानी कि 21 डिग्री क्लार्क से 62 डिग्री क्लार्क के बीच में है तो आपको अपने डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग H05 से H07 के बीच में सेट करनी है। डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग चेंज करने के लिए आप डिशवॉशर को ऑन करें और एको प्रोग्राम बटन को दबा कर रखें और उसके साथ स्टार्ट बटन भी प्रेस करें जब तक डिस्प्ले स्क्रीन पर H04 वैल्यू इंडिकेट होनी स्टार्ट ना हो जाए। अब इन दोनों बटन्स को छोड़ दें। अब एको बटन के सामने वाली लाइट फ्लैश होनी स्टार्ट होगी और डिस्प्ले स्क्रीन में H04 दिखेगा जो डिफॉल्ट सेटिंग है। अब इसके बाद आप प्रीरिंस बटन को दबाएं। हर बार जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू एक लेवल इंक्रीज होती जाएगी, और वैल्यू H07 पहुंचने पर दोबारा जब आप प्रेस करेंगे तो H0 पहुंच जाएगी। इस तरह आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं आप अपने पानी के हार्डनेस के हिसाब से। फिर आप जब स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपकी चूज की हुई वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके पानी की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से कम है तो डिशवॉशर को सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिशवॉशर के वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम को स्विच ऑफ करने के लिए और रिफिल सॉल्ट इंडिकेटर लाइट को डिसेबल करने के लिए आप वो सभी स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने अभी बताए हैं और वैल्यू को H0 सेट करें। इससे डिशवॉशर का वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम और रिफिल सॉल्ट इंडिकेटर लाइट स्विच ऑफ हो जाएंगे। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके पानी की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से ज्यादा है तो आपको सेपरेट सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, पर इस केस में आपको उतने ज्यादा सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग H01 से H04 के बीच में सेट कर सकते हैं।
नोट करें कि अगर आप डिशवॉशर के सॉल्ट की सेटिंग एट 0 सेट करेंगे तो डिशवॉशर सॉल्ट कंज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेटिंग है इंटेंसिव ड्राइंग। ये ऑप्शन यूज करके आप फाइनल रिंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपके बर्तन अच्छे से ड्राई हों। पर नोट करें, अगर डेलिकेट बर्तन है तो इंटेंसिव ड्राइंग ऑप्शन को ऑफ रखें। इस ऑप्शन को एनेबल करने से डिशवॉशर का रनिंग टाइम थोड़ा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। D0 पर सेट करने से इंटेंसिव ड्राइंग ऑप्शन डिसेबल होता है और D1 सेट करने से इंटेंसिव ड्राइंग ऑप्शन एनेबल होता है। इस सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको डिशवॉशर को ऑन करना है और एको बटन प्रेस करते हुए स्टार्ट बटन प्रेस करना है जब तक आपको डिजिटल डिस्प्ले पर एच डिस्प्ले ना हो। दोनों बटन्स को रिलीज करना है। उसके बाद एको बटन को एक बार प्रेस करना है तो स्क्रीन पर आपको डी डिस्प्ले होगा। जो भी करंट वैल्यू सेट है 0 या 1 वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको प्री रिंस बटन को एक बार प्रेस करना है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्री रिंस बटन प्रेस करके आप आपकी मनचाही वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं इसे D0 पर रखना रिकमेंड करूंगी। इस वैल्यू को सेव करने के लिए आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, आपकी सेट की हुई वैल्यू सेव हो जाएगी। तो चलिए अब डिशवॉशर के रिंसेट के बारे में जानते हैं। रिंसेट बर्तनों को ड्राई करने के प्रोसेस में मदद करता है। ये पानी की सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए और प्लेट्स और ग्लास में पानी के ड्रॉपलेट्स रह जाने पर स्पॉट्स ना बने। अगर आपके बर्तनों पर पानी के निशान रह जाते हैं तो आप रिंसेट की सेटिंग को चेंज करें। आप नोट करें कि जनरली रिफिल रिंसेट का इंडिकेटर ऑन होने पर भी डिशवॉशर में 1 या 2 वॉश के लिए रिंसेट का रिजर्व रहता है। रिंसेट की वैल्यू आप R05 से R06 तक सेट कर सकते हैं। डिशवॉशर की डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग R05 है। अगर आपके बर्तनों पर पानी के स्ट्रीक्स रह जाते हैं तो आप वैल्यू को R05 से कम सेट करें। पर अगर आपके बर्तनों पर पानी के दाग रह जाते हैं तो आप वैल्यू को R05 से ज़्यादा सेट करें। रिंसेट की सेटिंग चेंज करने के लिए आप डिशवॉशर को ऑन करें, इसके बाद एको बटन प्रेस करते हुए स्टार्ट बटन को प्रेस करें। डिजिटल डिस्प्ले पर एच डिस्प्ले होगा। इसके बाद इन दोनों बटन्स को रिलीज करें। अब एको बटन को 2 बार दबाएं। डिजिटल डिस्प्ले पर R डिस्प्ले होगा जो रिंसेट की करंट सेट की हुई वैल्यू दिखाता है। इसके बाद प्री रिंस बटन दबाएं। हर बार आप ये बटन प्रेस करेंगे तो सेट वैल्यू 1 लेवल इंक्रीज हो जाएगी और R6 पहुंचने पर जब आप दोबारा प्री रिंस बटन दबाएंगे तो R0 पर वापस आ जाएगी। इस तरह आप प्री रिंस बटन यूज करके आपकी मनचाही वैल्यू सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाकर सेटिंग को सेव करना है। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके पानी की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से कम है तो डिशवॉशर को रिंसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिशवॉशर के रिंसेट ऑप्शन को बंद करने के लिए और रिफिल रिंसेट इंडिकेटर लाइट को डिसेबल करने के लिए आप वो सभी स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने अभी बताए हैं और वैल्यू को R0 पे सेट करें। R0 वैल्यू सेट करने से रिफिल रिंसेट इंडिकेटर लाइट ऑफ हो जाएगी और डिशवॉशर रिंसेट यूज नहीं करेगा। अगर आप ऑल इन वन टैबलेट यूज कर रहे हैं और आपके पानी की हार्डनेस 21 डिग्री हार्डनेस से ज्यादा है तो आपको ऑल इन वन टैबलेट के साथ सेपरेट रिंसेट यूज करने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, पर आपको उतने ज्यादा रिंसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में आप वैल्यू को R0 से R04 के बीच में सेट करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डिशवॉशर के रिंसेट की सेटिंग को लोअर वैल्यू में सेट करें, क्योंकि ज्यादा रिंसेट यूज करने से अगर बाय चांस रिंसेट बर्तनों पर रह जाता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। रिंसेट की सेटिंग को लोअर वैल्यू में रखने का डिसएडवांटेज बस ये है कि बर्तनों पर पानी के निशान रह सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो स्विच ऑफ सेटिंग। डिशवॉशर का वॉश साइकिल फिनिश होने के बाद डिशवॉशर को ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद ऑफ करना है या 2 घंटे बाद ऑफ करना है या ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं करना है, ये सेटिंग भी डिशवॉशर में आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप P0 से P2 तक की वैल्यू सेट कर सकते हैं। P0 यानी डिशवॉशर काम खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा। P1 यानी अप्लायंस 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। P2 यानी डिशवॉशर 2 घंटे बाद स्विच ऑफ होगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे P1 पर सेट करें ताकि डिशवॉशर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। इस सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको डिशवॉशर को ऑन करना है, उसके बाद आपको एको बटन को प्रेस करते हुए स्टार्ट बटन प्रेस करना है। डिजिटल डिस्प्ले पर एच डिस्प्ले होगा। इसके बाद दोनों बटन्स को रिलीज करना है। अब एको बटन को 3 बार प्रेस करना है। डिजिटल डिस्प्ले पर P डिस्प्ले होगा।
जो ऑटो स्विच ऑफ की करंट सेट की हुई वैल्यू दिखाता है। इसके बाद प्रीरिंस बटन दबाएं। हर बार आप ये बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू एक लेवल इंक्रीज हो जाएगी और P2 पर पहुंचने के बाद वैल्यू P0 पर वापस आ जाएगी। इस तरह आप प्रीरिंस बटन यूज करके आपकी मनचाही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाकर इस वैल्यू को सेव करना है। तो ये थे डिशवॉशर की सेटिंग्स। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। मेरे डिशवॉशर के बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।